बीच में डूब गया, किधर जाएगा अमाउंट रिसीव्ड। सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, बेचा पैसा आया राइट, तो अमाउंट रिसीव लिखोगे क्या? यू कैन राइट आइदर टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर या टू सन्ड्री इनकम। इसकी एक्चुअल एंट्री क्या बनेगी? पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री इनकम, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री इनकम। ओके, और जाएगा कौन से कॉलम में? अमाउंट रिसीव, इज दैट क्लियर? अमाउंट रिसीव में जाएगा, अमाउंट इज कितना है? 115, got it? Amount received when you write 115. Petty cash to sundry income, petty cash to sundry income. Yeah, either you can write sundry income or to sale of newspaper, to be chale. Yeah, actual entry is petty cash to sundry income, ledger mein dekhta hai, dono account. Now, then unloading charges of 125. Carriage and freight, carriage and freight ka column hai. Give tips to Pune. Sundry paid to Mr. Karthik. Ledger. Then you go to ledger. Paid to Karthik. Then you go in ledger. What will you write over here? By Karthik account. Karthik to petty cash. By Karthik account. Account used Karthik. Personal and real. Paid for lunch bill or salesman? Staff. Paid for envelopes? Printing and stationery. So, what are the columns here? Yeah, printing. पोस्टेज एंड टेलीग्राम है कि टेलीफोन है? टेलीग्राम है, ओके। और ट्रैवलिंग कन्वेंस है कैरेज एंड फ्रेट कर दो, कैरेज एंड फ्रेट बिकॉज यू हैविंग फ्रेट एक्सपेंस। रिपेयर और वेजेस, एडवर्टाइजमेंट, स्टाफ वेलफेयर एंड सन्ड्री एलएफए लेजर, बराबर। ऐसा जनरली होता तो नहीं है, नेक्स्ट में काम करके देगा ना। हाँ, बट ऐसा होता नहीं है, उसको उतना पैसा, वही झोल होता था पहले कि ज्यादा हो जाता था फिर वो सिफन ऑफ कर देता था पैसे, इसके लिए वो इम्प्रेस सिस्टम लाया गया। तो ये लिमिट रहती है, कभी उसके पास 500 से ज्यादा तो बचे ना, वो देख के दिया जाता है ऐसा है तो वो ले लेता है, फ्लोट ही रखता है, बाय कैश करके ले लेता है। कर लो, कॉलम्स क्लियर है, स्टार्ट करो। नो कॉलम समझ आ गया? कौन से? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, विथ एलएफ आठ, विदाउट एलएफ सात, क्या हुआ? इतने ही बना है, सारे नहीं बने, जो सब में उतने ही बना। सबसे पहले विल स्टार्ट विद व्हाट? टू बैलेंस बिल, एंड ऑन द सेम डे रिसीव्ड कैश, सो टू कैश या टू बैंक? टू कैश पोर्टल, टू कैश पोर्टल, व्हाट इज टू कैश अकाउंट पोर्टल? So that makes the interest value how much? Float amount 500. Next month your beginning will compare it with 500. And then karte jao, bye. Receipt ke liye two, payment ke liye bye. Buy postal stamps and courier. That is 85. Postage and telegram. By printing of bill book, that is printing and stationery.
by railway freight. Carriage and freight. By CFL tubes. And sundry. कैश रिसीव्ड फ्रॉम मेन कैश कैश रिसीव्ड तो कौन सा कॉलम में जाएगा अमाउंट रिसीव्ड तो टू की बात टू कैश तो ऊपर लिखा वही बीच में आया 500 रुपया कम पड़ा रहेगा फोन किया मंगवा लिया पैसा देन सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड तो पैसा गया कि आया आइदर यू कैन राइट टू सन्ड्री इनकम और यू कैन राइट टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर तो भी चलेगा क्वेश्चन जो छाप तो वो भी चलेगा टू सेल ऑफ न्यूज पेपर या टू सन्ड्री इनकम दैट इज 115 बाय अनलोडिंग चार्जेस दैट इज कैरिज टिप्स टू प्योर Sundry. Paid to Karthik. What will you write for paid to Karthik? By Karthik account. Personal and real के लिए actual account. Expense के लिए कुछ भी लिखो क्योंकि ये एक column ही उसके account है. Personal और real के लिए by Karthik account. It's Karthik to petty cash. Karthik to petty cash. Lunch bill of salesman. By lunch bill. This is staff welfare and envelopes is station. पीपल हैव हैबिट वो पहला ये लिखेगा पर्टिकुलर फिर सब अमाउंट लिखेगा एक ऊपर नीचे हो गया ना सब कबाड़ा हो जाएगा पूरा इजीएस्ट चैप्टर है टप्पी बॉल पे सिंपल बॉल पे क्लीन बोर्ड हो जाओ गो टू दैट एंट्री फिर अमाउंट एंट्री फिर अमाउंट एंट्री फिर अमाउंट Should be in the staff welfare. Lunch bill of salesman. Yeah, lunch bill of salesman. 150. Staff welfare. Right, Paj. Then you balance it, sorry. Of payments. 834. 874. Total karo, dekho pehle. Payments ka total maro. Balancing karna hai. This is 155, right? 85, 24, 213, 150, 132 and 115. Check ye total kitna hai. 240, 264, 464, 477, 577, 627, 727, 759, 859, 869, 874, 874, 874. उसके बाद बैलेंस बैलेंस आता है अभी हमको ऐसे करना है बैलेंस रिसीव माइनस पेमेंट कौन सा साइड बड़ा होगा हमेशा रिसीव अब ये कैसा बड़ा होगा
अमाउंट ज्यादा होने से पेमेंट का टोटल बड़ा नहीं हो जाता। तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम पे करोगे ना, पैसा है ही नहीं तो पे कहाँ से करो। हेलो, ये रिसीट है वो पेमेंट है, पैसा आएगा तो जाएगा, है ही नहीं तो पे कहाँ से करो। तो कैश और पेटी कैश एसेट है तो हमेशा रिसीट शुड बी ग्रेटर देन पेमेंट। व्हाट इज दिस टोटल 500 और 115 1115 माय राइट 1115 माइनस 874 हाउ मच बैलेंस यू आर हैविंग बाय बैलेंस सी 241 दिस विल बिकम 241 का टू बैलेंस बी ऑन 1411 ऑन 1411 लास्ट गम्मत देख लो एक मिनट, ये 241 को आप किसके साथ कंपेयर करने वाले? 500, 1115 किसके साथ? 500 फ्लोट अमाउंट स्टिल रिमेन्स एट 500, गॉट इट? तो 500 बनाने के लिए कितना मिलेगा इसको? 259 कैसे मिला? 500 माइनस 241 गॉट इट? कैसे आएगा ऊपर देख लेने का, ऊपर कैश है तो नीचे कैश, ऊपर चेक है तो नीचे बैंक, टू कैश तो क्वाइट सिंपल। पेमेंट्स के लिए बाय, रिसीट्स के लिए टू, उतना ध्यान रखना है बाय टू, और पैसा आया पैसा गया। चिंदी चिंदियस चैप्टर, गरीब लोग का चैप्टर, इसको कुछ नहीं आता उसको पेटी कैश, दैट्स इट, ये टर्मिनल्स आएगा खुदा पूछता है। एनएमबीटी बाय विल बी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में बट एनएमबीटी बाई इसको उड़ा ही देता है, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में डाल देता है फाइनल्स का, पांच फाइव मार्क ऑब्जेक्टिव मतलब आता है फाइव मार्क्स का, फाइनल्स का फाइनल 100 मार्क पेपर का फाइनल 80 मार्क आता है एनएमबीटी बाई में भी। 85 का यूनिट स्टॉप नहीं था बेटी भाई का वाट लगाएगा सबसे बेटी भाई निकल जाएगा, सेमेस्टर थोड़ा मैनेजेबल रहता है। हाँ सेकेंड रिटेस वापस लेना पक्के लगा, अभी बैंड बजाएगा आराम से। करो फटाफट। हेलो चलो नेक्स्ट सम क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं आपको, सम नंबर सम नंबर ये बड़ा है, सम नंबर 4 पेज 62 खुद से ट्राई करना आपको, सब नंबर 4 पेज 62 बहुत इंपॉर्टेंट बहुत। देर इज अ बैलेंस ऑफ 1250 रिसीव्ड चेक टू मेक अप द इंटरेस्ट ऑफ 4000 इंग्लिश में दिया देखो क्या दिया, देर वॉज अ बैलेंस ऑफ 1250 There was a balance of 1250 received a check to make up the interest of 4000 means balance the 1250 आपको कितने का चेक मिला so that 2750 got it the float is 4000 there was a balance of 1250 you got a check of 2750 so two balance BD 1250 and two bank 2750 Now your float value is how much? 4000. So next month के beginning में compare it with 4000. Is it clear? Mark first. Purchase 4 chairs of 200 each. 4 chairs of 200 each.
वाई लेजर क्या है वो एसेट फर्नीचर सो लिखेंगे क्या लेजर व्हाट विल यू राइट ओवर हियर बाय फर्नीचर अकाउंट पर्सनल और रियल बाय फर्नीचर अकाउंट व्हिच कॉलम लेजर फोकस फोकस बाय पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ 120 रिपेयर्स एंड रिमूवल्स Sold old crockery for 80. Sold. Your newspaper bhecha is crockery bhecha. Amount is. Kitenge kya? Either you can write 2 sundry income or 2 sale of crockery. Actual journal entry kya banta iska? Petty cash to sundry income. Either sundry income likho to bhi chalega ya sale of crockery likho to bhi chalega. Lekin 2 likhna. Buy nahi. 2. Receive. Is it clear? वो लेजर में दिख जाएगा आपको पेटी कैश टू सन्ड्री देन परचेज 1 dozen पेंसिल्स एट 5 each एंड 1 dozen रेवेन्यू स्टैम्प एट 10% हाफ अ डजन रेवेन्यू स्टैम्प एट 10% देखो पेंसिल तो जाएगा स्टेशनरी में रेवेन्यू स्टैम्प किस पे जाएगा मैंने बताया था लास्ट टाइम नहीं दो स्टैम्प हो चौरस वाला स्क्वायर वाला दैट इज पोस्टल स्टैम्प दैट गोज टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम बट दैट रेवेन्यू स्टैम्प इज दैट बॉन्ड पेपर वाला रेड ग्रीन एफिडेविट वाला वो सेंट्री में जाता है दैट गोज टू सेंड इज इट क्लियर एक ही साथ लिख सकते हो बाय पेंसिल एंड रेवेन्यू स्टैम्प टोटल 120 होता है ना 12 पेंसिल खरीदा है 5 रुपए का तो 60 और आधा डजन मतलब 6 × 10 = 60 तो 120 टोटल में लिख सकते हो 60 प्रिंटिंग में लिख रहा हूँ 60 सेंट्री में डालता समझ आया सेम लाइन पे लिख सकते हो When 120, 60 and 60. Next one. Paid for cold drinks and cartage. Cold drinks is for staff. Cartage. Carriage and cartage. Aap ka same line pe total likhe individual column is split. Cold drink is wo nahi pata. Iska kuch nahi diya to office ka. Staff ka. Aur kiska? Owner. Owner ka personal hoga to wo personal mention kar. To drawings hoga. देखो ये वाला पेड पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंस व्हाट इज दिस ड्रॉइंग गाइस पेड फॉर पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंस वेर यू पुट पर्सनल ट्रैवलिंग दैट गो टू लेजर पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंस गो टू लेजर व्हाट विल यू राइट ओवर हियर बाय व्हाट ड्रॉइंग्स बाय ड्रॉइंग्स दैट गो टू लेजर देन केवल दिवाली गिफ्ट सेंड्री बॉट रबर स्टैम्प इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बराबर है हेलो डिस्ट्रीब्यूटेड पैम्पलेट्स एडवर्टाइज पेड बस फेयर ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस वेरी गुड पेड पिक्चर टिकट ऑफ एम्प्लॉय स्टाफ हेल्थ पेड फॉर 500 फॉर पिकनिक फॉर वर्कर्स स्टाफ हेल्थ रिसीव रुपीज 100 फॉर एडवांस गिवन टू मोर अबे टू पैसा आया तो टू ओके अमाउंट रिसीव व्हाट विल यू राइट ओवर हियर सेम अकाउंट यूज करते हैं जैसे फर्नीचर खरीदा तो बाय फर्नीचर बेचा तो टू फर्नीचर तो एडवांस देने का क्या एंट्री है बाय एडवांस टू मोर तो यहाँ पे क्या लिखेगा टू एडवांस टू या टू मोर में चलेगा टू एडवांस टू मोर अकाउंट या टू मोर अकाउंट सेम अकाउंट यूज करते हैं पर्सनल जो देते वक्त है वही लेते वक्त बड़े जैसे बाय फर्नीचर टू फर्नीचर बाय एडवांस टू मोर टू एडवांस टू मोर दैट कौन सा कॉलम में अमाउंट रिसीव पैसा आया पेड फॉर टेलीफोन एक्सपेंस इसको कर देना पोस्टेज है टेलीफोन पोस्टेज एंड टेलीफोन कम्युनिकेशन सारा खर्चा इधर पोस्टेज एंड टेलीफोन क्लीनिंग चार्जेस सन्ड्री पेड वेजेस टू वर्कर वेजेस पेड 100 टू कैजुअल वर्कर वर्कर का सारा वेजेस कैजुअल वर्कर कैजुअल लेबर लेबर चार्जेस सब वर्कर का वेजेस दिस इज ऑल्सो वेजेस पेड प्रिंटेड लेटर एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी व्हाट ऑल कॉलम्स यू आर हैविंग आई थिंक यू आर हैविंग ऑल जो पहला फॉर्मेट में लिया ना मेरा 10 कॉलम्स सारा है प्रिंटिंग है पोस्टेज है पीपी पीपी यानी पीपी फिर ट्रैवलिंग कन्वेयंस है कैरेज कार्टेज है फिर एडवर्टाइजिंग है फिर वो तीन वेजेस स्टाफ वेलफेयर रिपेयर्स
sundry alert ले लो sundry alert ले लो है advertisement है ना sir अगर है पहला format वाला ले लो सब color है सब बनाओ हाथी हाथी इज्जत से करो चलो come on do it fast क्या कर रहे हाँ इसके बाद एक ही करो come on do it fast quick सर टोटल 10 है पहले पहला देखो फॉर्मेट किया था ना क्या लास्ट तक का अच्छा बना रहा हूँ कॉलम देख लो 10 कॉलम है 10 सारे के सारे एलएफ को मिला के 11 बिना एलएफ के 10 कैरेज एंड कार्टेज करना और टेलीफोन पोस्टेज एंड टेलीफोन करना देन यू हैव एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट आगे पीछे ऑर्डर हो गया डोंट वरी पेजेस है स्टाफ वेलफेयर है रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स है क्या है ना पहला ही है हाँ सेकेंड सन्ड्री भी है एल एफ भी है और लेजर भी है थोड़ा बोर्ड में चकाचक सब सब मस्त बोर्ड और बुक में क्या है आपके बोर्ड ज्यादा लिखना पड़ता वो है मैजिक स्लेट है ऐसा नहीं फाटेगा उसका भाई भी जाएगा फिर से फाटेगा बना हो Come on, do it. It's a girl.